बीसीसीआई ने सुधारी अपनी गलती। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड में हुए 3 बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, आखिरकार बीसीसीआई ने सुधारी अपनी कौन सी बड़ी गलती और टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड में हुए हैं कौन से 3 बड़े बदलाव, बताएंगे आपको सब कुछ आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया अब तैयारियों में जुट चुकी है, क्योंकि टीम इंडिया अब टी20 विश्व कप के लिए रवाना होने वाली है। टी20 वर्ल्ड कप इस बार वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में खेला जाएगा। आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2 जून से होगी। ऐसे में सभी टीमों का टी20 वर्ल्ड कप के लिए रवाना होना शुरू हो चुका है। टीम इंडिया के खिलाड़ी भी अब जल्द ही वेस्टइंडीज के लिए उड़ान भरने वाले हैं। आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के हाथों में सौंपी गई है। ऐसे में रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को इस टी20 वर्ल्ड कप में विजेता बनाना चाहेंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अब इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड में कुछ अहम बदलाव होते हुए नजर आए हैं, जहां 3 बड़े खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है। पहले खिलाड़ी की बात की जाए तो पंजाब सुपर किंग्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले शशांक सिंह को बैकअप के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड के साथ जोड़ा गया है। शशांक सिंह ने आईपीएल 2024 में बेहतर प्रदर्शन किया था। वहीं दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो हैदराबाद के ताबड़तोड़ खिलाड़ी अभिषेक शर्मा भी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय स्क्वाड में बैकअप के तौर पर शामिल किए गए हैं। वहीं संदीप शर्मा को भी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय स्क्वाड में मौका मिला है। यानी कि शशांक सिंह, अभिषेक शर्मा और संदीप शर्मा, ये 3 खिलाड़ी हमें टी20 विश्व कप में भारतीय टीम में शामिल होते हुए नजर आए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इन खिलाड़ियों को अगर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो ये खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।